बलौदा बाजार बवाल मामले में पुलिस ने एक बार फिर से धरपकड़ शुरू कर दी है। धरपकड़ तब शुरू हुई जब दूसरे दिन यानी कि 27 सितंबर से कांग्रेस की न्याय यात्रा उसी गरौदपुरी धाम से शुरू हो रही है जहां से बलौदा बाजार बवाल मामला शुरू हुआ था। पुलिस ने आज एक शख्स को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी दुर्ग जिले से हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और राजनीतिक खींचतान शुरू हो सकती है और पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो सकती है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बलौदा बाजार प्रकरण आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि बलौदा बाजार में 10 जून को जो हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। भीड़ ने कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर को फूंक दिया था और इसके अलावा करीब 125 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। टोटल गाड़ियों की संख्या थी करीब 250 के आसपास। इस बवाल मामले में पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और धरपकड़ शुरू हो गई है। 25 सितंबर यानी कल जो है पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है और आने वाले दिनों में हो सकता है और गिरफ्तारियां की जाए। कल यानी 27 सितंबर को कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है और इस न्याय यात्रा की शुरुआत गरौदपुरी धाम से कर रही है। वही गरौदपुरी धाम जो बाबा बालकनाथ की तपोस्थली माना जाता है और सतनामी समाज का सबसे पवित्र स्थल है। अब आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था, फिर हम इसमें आगे की जानकारी आपको देंगे। 10 जून को जो है बलौदा बाजार में एक बड़ा बवाल हुआ था और इस बवाल के पीछे वजह यह थी कि सतनामी समाज के पवित्र जैत खाम को गरौदपुरी धाम में नुकसान पहुंचाया गया था, उसे आरी से काट दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन सतनामी समाज के लोगों का कहना था कि पुलिस ने असली आरोपी गिरफ्तार नहीं किए हैं, वारदात को अंजाम देने वाला कोई और है। सतनामी समाज के लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसे लेकर ही 10 जून को एक बड़ी सभा बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में आयोजित की गई थी। इस सभा के बाद जो है सतनामी समाज के लोगों की भीड़ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ती है और इस भीड़ द्वारा जो है कलेक्ट्रेट में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की जाती है। इस आगजनी और तोड़फोड़ के दौरान लूटपाट की घटनाएँ भी सामने आती हैं और इस आगजनी में कलेक्ट्रेट और एसपी का जो ऑफिस है वो पूरी तरीके से जल जाता है और इसके अलावा कई और विभागों में बड़ा नुकसान पहुंचता है, सरकारी दस्तावेज जल जाते हैं। करीब 125 के करीब गाड़ियों को या तो जला दिया जाता है या उनको तोड़फोड़ कर दी जाती है और अगर नुकसान की हुई गाड़ियां मतलब जिन गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है वो करीब संख्या 250 तक पहुँचती थी। इस पूरे मामले के बाद जो है पुलिस आरोपियों की धरपकड़ शुरू करती है। पुलिस ये मानती है कि इस पूरे मामले में भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट और भीम क्रांतिवीर संगठन का हाथ है और पुलिस इन तीनों ही संगठन के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस एक सरकारी टीचर को भी गिरफ्तार करती है जो कि प्रभारी प्राचार्य है एक हाई स्कूल में, उसको इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। इसके बाद पुलिस जो है एक कंट्रोल रूम बनाती है जिसमें उन वीडियो की पड़ताल होती है जो सीसीटीवी से मिले हैं या लोगों द्वारा मोबाइल से बनाए गए हैं और उन वीडियो और फोटो को देख करके पुलिस आरोपियों की धरपकड़ शुरू करती है। इस मामले में कल से पहले तक यानी कि 25 सितंबर से पहले तक 184 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी लेकिन पुलिस एक बार फिर से इस मामले के आरोपियों की धरपकड़ तेज करती हुई दिख रही है। पुलिस ने 25 सितंबर को एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम भरत टंडन है। इसकी गिरफ्तारी दुर्ग जिले से हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद अब तक बलौदा बाजार प्रकरण में गिरफ्तार लोगों की संख्या 185 हो गई है। बता दें कि इसी मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और वो करीब 1.5 महीने से जेल में है। कल यानी कि 27 सितंबर से कांग्रेस जो है अपनी एक न्याय यात्रा शुरू कर रही है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बलौदा बाजार बवाल मामला ही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को और सतनामी समाज के लोगों को जबरन फंसाया गया, बिना जांच के जो है उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो उस मामले में शामिल नहीं थे। इसके अलावा प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले को लेकर भी कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। इस न्याय यात्रा के
दो रोज पहले पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी से ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले में लंबे समय से कार्रवाई कर रही है, लेकिन 3.5 महीने बाद एक और शख्स की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पुलिस और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा है। पुलिस की इस गिरफ्तारी को लेकर के हो सकता है कि कांग्रेस आरोप लगाए कि उनकी न्याय यात्रा में बाधा डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि सच क्या है ये पुलिस बेहतर जानती है, लेकिन बलौदा बाजार प्रकरण करीब 3.5 महीने बाद फिर से एक बार लोगों के जहन में आ गया है। पुलिस ने इसको दोबारा से याद दिला दिया है और साथ में ये भी याद दिलाया है कि पुलिस जो है इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाले है, इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में कार्रवाई और भी संभव है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।